UAPA, इसका असली नाम तो ये होना चाहिए कि भारत के लोगों को डराने के लिए जो कानून बना है उसका नाम है UAPA। आपने देखा कि उम्र कैद क्यों मिली है साईं बाबा जी को, कि उनका माइंड, उनके विचार, और जज लिखता है कि अंबेडकर भी कहते हैं कि देश में क्रांति हो, मगर ये तो खून खराबे वाली क्रांति चाहते हैं, इसलिए उम्र कैद दी। ब्लडलेस क्रांति हो तो बात बन जाए, फिर शायद उम्र कैद ना देते, मगर क्योंकि ये खून खराबे वाली क्रांति चाहते हैं इसलिए इन्हें एक उम्र कैद भी कम नहीं है, इनके लिए 2, 3, 4, मगर मेरा अख्तियार है एक ही उम्र कैद दे सकता हूं, इसलिए मैंने एक उम्र कैद दी। ऐसे खतरनाक, आप सोच सकते, विचारों वाले जज हैं जो उन्हें लगता है कि विचार ही इतने खतरनाक हैं, वो विचारों को भी अपने अंदर संभाल नहीं सकते। तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस की सहारा लेके, इस कानून का सहारा लेके इस तरह की सजा दे रहे हैं। उससे पहले विनायक सैन जी को उम्र कैद दी है, इसलिए सडिशन, वो भी विचारों की ऑफेंस है कि इन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, सरकार के खिलाफ इनकी इज्जत नहीं है, सरकार को बुरा मानते हैं। तो ये सारा जो नया दौर चला है, कभी वक्त था टाडा के वक्त ही कोई मारता था, कोई बम चलता था, कोई एक्सप्लोसिव होता था, कोई बहुत बड़ी गतिविधि होती थी तो फिर केस दर्ज होता था, तो हम कहते थे चलो टाडा इसलिए बनाया। मगर जो ये नया ये कानून, और इसकी जड़ें देखो कितनी दूर हैं, 1812 में पहली बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, बंगाल रेगुलेशन एक्ट की, जिसमें लोगों को वैसे रखा जा सकता था। और ये जो आखिरी 2018 206 साल के बाद है कि इसमें भी अगर आपको एक बार अरेस्ट कर लिया जाए तो एक साल बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या है। चाहे इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं कहा जाता, मगर ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर सरकार आपको लाइक नहीं करती, आपका चेहरा लाइक नहीं करती, आपके विचार को नहीं लाइक करती, तो आपके ऊपर यूपी एक्ट लगा के एक बार आपको अरेस्ट कर लिया तो फिर एक साल तक वो आज़ाद हो जाते, ये भी बताने के लिए कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या। ऐसा टाडा में भी नहीं था, ऐसा इससे पहले किसी कानून में नहीं था। और सारे ये कानून की जो हिस्ट्री है, जड़ें हैं, 1812 से लेके फिर 1870 में अंग्रेजों ने सडिशन ऐड किया पीनल कोड में, और सडिशन भी इसलिए किया, हिंदुस्तानी लोगों के लिए लिया कि वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो अंग्रेजों को बुरा भरा कह रहे हैं आप जालम हो, इसलिए डाल दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको हम अरेस्ट कर सकते। उसके अंदर सबको मालूम है कैसे हमारे सारे ही देशभक्त, गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक तक, सभी देशभक्तों के खिलाफ सडिशन लगा, क्योंकि बोलना तो था ही। तो अल्टीमेटली जो बिल्कुल डायरेक्ट पहला एक्ट जिसमें बिल्कुल सीधा नजर आता नक्शा इसका, और आखिरी था 1915 में जो पहला महायुद्ध हुआ, वो तो बहाना था, मगर गदरी बाबू का रिवोल्ट की तरीक थी फरवरी 2015 में, उन्होंने गदर करना था पूरे हिंदुस्तान में, आम संघर्ष गदर करना था आज़ाद करने के लिए। वो पता लग गया, वो सब अरेस्ट हो गए, कतार सिंह सराबा भी उनमें था, उनको फांसी दे दी गई। तो इमीडिएटली एक महीने बाद ये कानून बना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हमेशा ही नाम जो होता है, जो कोई भी सरकार किसी कानून का नाम बनाती है, वो हमेशा ही बहुत खूबसूरत होता है। कौन कह सकता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया ना हो, महायुद्ध हो रहा है, डिफेंस ऑफ इंडिया तो हमने करनी है। मगर उसका मकसद जो होता है कानून का, वो एक्चुअली कानून यूज किसके लिए होता है कि हिंदुस्तान लोग अपनी दशा के बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में बात ना कर सके, अपने हकों के बारे में बात ना कर सके, इस तरह बना। और सभी जगह ये ऐसा कानून, अल्टीमेटली सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। रॉलेट एक्ट भी इसी कानून को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया थी, तभी कहते थे वो हेबियस कॉर्पस जो, कि अगर किसी को कोई पकड़ लेता है तो तुम सीधा हाईकोर्ट में जा सकते हो, वो भी उन्होंने सस्पेंड करने की कोशिश की रॉयल एक्ट में। तो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई जिससे इतने हम सब इतिहास जानते हैं। सेकेंड महायुद्ध में इन्होंने फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 बनाया। मगर ये तो सब समझ आता है, हम एक गुलाम मुल्क थे,
25-30 हजार अंग्रेज 33 करोड़ जनता पे राज कर रहे थे, उनका डर समझ आता है कि वो डरे हुए थे कि कहीं ये लोग इकट्ठे हो गए तो फिर हमारा राज कितने दिन तक चल सकता था, वहाँ तो समझ आता है। अगर उन्होंने 200 साल राज किया या 100 साल राज किया 150 साल राज किया तो उनका जो घबराहट है, उनका डर है, उनका ऐसा कानून बनाना तो बिल्कुल समझ आता है कि क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग कब तक चुप रहेंगे, कभी तो बोलेंगे, कभी तो इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हमारा राज कैसे चल सकता है। तो ऐसे कानून जिनका मकसद ये था कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, उन्हें चुप कराया जाए, इन सभी कानूनों का मकसद ये था। मगर आज़ादी के बाद इनकी क्या जरूरत है, और पहला कानून जो बना आज़ादी के 1950, पहला कानून आप हैरान हो जाओगे, वो बना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। हमने संविधान में लिख लिया कि सरकार को ऐसा हक है कि अगर किसी व्यक्ति को वो नहीं लाई करते, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन ये उसको पहले ही पकड़ लो, चाहे वो अपराध बाद में करेगा जो सोचता है, क्योंकि वो सोचता है उसके विचार ऐसे है, उसे रख लो जेल में। और वो कानून आज तक यूज हो रहा है, ये UPA से तो अलग है, पर ये कानून जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है वो भी अभी हमारे लागू, हमने संविधान का हिस्सा बना लिया। वो जो लड़का चंद्रशेखर दलित युवक जिसने वो सेना बनाई थी, दलित सेना, वो अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के नीचे, भीम सर बड़ी मुश्किल से भीम सेना बने 70 साल बाद, बहुत बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। और देखो भीम सेना के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल कर रहे हो, 1812 का, 206 साल पुराना कानून, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ है नहीं, वो सीधी बातें कह रहा है, वो तो कानून की बात कर रहा है। हम तो फिर भी कहते हैं कि ये संविधान भी अंधा है, ये संविधान भी क्लास संविधान है, ये संविधान में भी बहुत नुकसान है। वो तो संविधान के लिए बनने को तैयार है, सारा दलित समाज संविधान के लिए बनने को तैयार है, और उसके बावजूद वो संविधान का सबसे अप्रेसिव प्रोविजन उन पर लगा हुआ है। और 1950 में बना ये कानून, और उससे भी संतुष्टि नहीं हुई, इमीडिएटली आर्म फोर्सेज स्पेशल फोर्सेज एक्ट बन गया। वो चल रहा है नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है, पंजाब में भी चला, सब जगह लगा। और 71 में जब एमरजेंसी का पहले माहौल, जब लोग बोलने लगे हैं तो कैसे सरकार इमीडिएटली को सोचती है, क्योंकि अल्टीमेटली सीधा गोली मारने से पहले वो एक कानून का सहारा लेती है, सीधा लोगों को जेल में डालने से पहले एक कानून का सहारा लिया जाता है। इतना ही फर्क है आज की डेमोक्रेसी में पुराने राजे महाराजों में, वो किसी कानून का सहारा नहीं लेते थे, वो सीधा कहते थे कि इन्हें जेल में डाल दो, आज एक कानून का सहारा दिया जाता है, बस इतना ही कि इस धारा के बावजूद, इस धारा के आपने ये अपराध किया, इसको जेल में डाल दो। मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक तो हम सोचते थे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जब तक हम सोचते थे कि जज निडर है, जब तक जज सोचते थे कि उनकी जिंदगी उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तब तक तो थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था। अब तो ये हाल है कि वी द पीपल के आगे वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझते हैं कि लोगों के पास जाओ, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन हालातों में अब इन जजों पे यकीन हम कैसे करें? और उसके बाद उस एक जज को मारा उन्होंने, जैसे एक कां को मारते हैं किसान और बाकी कां डर के भाग जाते हैं, एक जज को सिर्फ मारा उन्होंने, और देखो बाकी जज धड़ाधड़ रेस लग गई छोड़ने को। असीमानंद का कन्फेशन मैंने पढ़ा है, असीमानंद का कन्फेशन इतना नेचुरल स्वाभाविक है, क्योंकि वो कभी थोड़ी सी उसमें इतनी उसमें ह्यूमन इमोशन आती है। वो जब उसे पकड़ लिया गया तो जो जेल में सबसे पहले उसका उसकी सेवा की, क्योंकि पुलिस कस्टडी में हर बंदा टॉर्चर होता है, हमारा कानून कहता है टॉर्चर नहीं होता, पर पुलिस कस्टडी सभी लोग कहते हैं नरक की तरह। जब तुम पुलिस कस्टडी जेल जाते हो तो तुम्हें लगता है कि स्वर्ग आ गया, थोड़ा सा सुख आ गया। तो इसी तरह वो भी गया, क्योंकि कानून तो सभी अंधा है, उसके लिए भी ऐसा ही होगा, उसे भी थोड़ा टॉर्चर किया होगा। और जब वो गया तो 4 मुस्लिम लड़कों ने उसकी बड़ी सेवा की, क्योंकि नया बंदा, उसने पता है कितने दुख में आता है, तो उसकी सेवा की, वो ठीक, वो इतना आभारी था। तो उन्हें पूछा कि आप किस में हो, और जो उन्होंने बताया कि हम तो उस बम ब्लास्ट के केस में, तो वो तो कहता मैंने किया था। उसको इतनी अंदर से आत्मग्लानी हुई कि वो जाके अगली तारीख में मजिस्ट्रेट को सारी कहानी बताया, और उसमें वो बच्चों को छूट भी गए। तो थोड़ी देर के लिए वो ह्यूमन बना, व्यक्ति बना, फिर सारे लोग पड़ गए, सारी सेना जो RSS सेना बढ़ गई, क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम लोग सारा माहौल क्रिएट करें कि RSS हिंदू तो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता, टेररिस्ट तो हो ही दूसरे धर्म के लोग हो सकते, तो आपने तो सारी बात ही खराब कर दी, आप कैसे बात हो। तो अल्टीमेटली वो रिट्रैक्ट किया गया कन्फेशन, और उस रिट्रैक्शन के बावजूद
हमने बहुत केस किए हैं, किसी भी रिट्रैक्टेड मजिस्ट्रेट के आगे कन्फेशन के बाद कन्विक्शन ऑलमोस्ट सर्टन ही होता है। मैंने कंधार हाईजैकिंग का केस किया, कंधार हाईजैकिंग में एक लड़के के खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा होगा कंधार हाईजैकिंग में 99 में वो बड़ा सक्सेसफुल हाईजैकिंग था, वो लेके छुड़ा के चले गए जेलों में, वो पूरा उन्होंने प्लेन लेके गए, वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर कंधार अपने वो कैदी लेके गया जिनको उम्र कैद थी और उनको छोड़ दिया गया, और अपनी देश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्टीमेटली 4-5 बंदों को पकड़ लिया इधर उधर से, किसी उनका कोई लाइसेंस बनवाया था, किसी ने पैसे लेके थोड़ा बहुत उनको कोई उनके लिए कोई होटल बुकिंग की थी, कोई एयर टिकट बुकिंग, उनको पकड़ लिया और उनके खिलाफ केस चलाया एंटी हाईजैकिंग एक्ट, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, इन्होंने टेरर किया, इन्होंने पूरी मदद की, और उस केस में सभी के कन्फेशन लिख लिए, क्योंकि एविडेंस तो क्या होना था, और वो कन्फेशन सभी ने कहा कि हमने ऐसा दिया नहीं, और एक केस में तो अब्दुल लतीफ के केस में जो कन्फेशन है वो 40 पेज का टाइप्ड हिंदी में है, और जब मजिस्ट्रेट से पूछा गया कि आपने जब किया तो उसने के पास सिर्फ 2.5 घंटे थे, तो जब मैंने कोर्ट में पढ़ा तो पढ़ने में मुझे कोई 6 घंटे लग गए, तो मैंने कहा जज साहब को कि मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आपको 6 घंटे लग गए, और आपने देखा होगा बयान में देखा तो मजिस्ट्रेट ने पहले इसको हिंदी में सवाल पूछे, फिर इसने हिंदी में जवाब दिए, फिर इसने हिंदी में ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में डिक्टेशन दी, फिर उसने उसको सुन पढ़ा के सुनाया कि भाई यही लिखा है तुम मानते हो, फिर वो माना और फिर उसने किया, और ये 40 साल का जो 40 पेज का टाइप्ड हिंदी का कन्फेशन है उसको मान लिया गया। मैथमेटिकली हो नहीं सकता था, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल तो साबित भी हो गया, मगर फिर भी वो कन्फेशन माना गया और उसको अभी भी वो जेल में ही है, पटियाला जेल में है, 99 से लेके अब 19 साल हो गए हैं, कोई इसको मिलने नहीं आया, उसका कोई है या नहीं है, मगर सिवाय वकीलों के कोई इसको 19 सालों में मिलने नहीं आया, मगर लॉ तो इतना स्ट्रिक्ट है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन फॉर द मजिस्ट्रेट उस पर सजा होनी होनी है। सीमानंद केस एक ऐसा है जिसमें उसने बाइज्जत छोड़ दिया, और जो बिल्कुल स्वाभाविक छोटा और नेचुरल कन्फेशन था, बट चलो वो समझ आता है, जज बिल्कुल डरे हुए लोग होते हैं, नॉर्मली भी डरे हुए लोग होते हैं, हम उनको हर रोज देखते हैं, आम बंदा तो बहुत हिम्मती होता है, और एक जज मर जाए तो बाकी जज की तो नानी वैसे मर जाती है, तो इसलिए ये सब ये समझ ही आता है कि वो छोड़ते रहेंगे जब तक वाकया ही उनका डर बिल्कुल मिट जाए, और वो डर कैसे मिटेगा, अभी तो देखो कुछ किया नहीं है, अभी तो पुराने ही जज चले आ रहे हैं, जजों को तो कुछ सरकार से थैंक्स भी नहीं करना, मोस्ट ऑफ जज तो पुराने बने हुए हैं, फिर भी कितनी जल्दी जुडिशरी ने अपना सारा कानून बदल दिया, कितनी जल्दी उन्होंने पूरा रेजिस्टेंस छोड़ दी, सवाए चलो इतना ही खुशी होती है कि 4 जज ने कम से कम बोले, एमरजेंसी में तो एक भी नहीं बोला था, एक ने सिर्फ जजमेंट दी थी खन्ना साहब ने, और उसके लिए इतना देश आभारी था कि एक जज ने कम से कम डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, यहाँ पे कम से कम 4 जज बाहर आके उन्होंने लोगों के पास, वी द पीपल के पास गए, इतना ही फर्क है 30 सालों में, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा सारा ट्रेडिशन एकदम कोलैप्स हो गया, हमारा इतना 70 साल की जुडिशियल इंडिपेंडेंस दुनिया की सबसे बड़ी जुडिशियल मानी जाती है, कितनी जल्दी कोलैप्स हो गई, तो इसलिए इन हालातों में अब आप UAPA देखिए, टाडा में जब 1985 में अल्टीमेटली टाडा शुरू किया, क्योंकि टाडा को बहुत अप्रेसिव कानून माना जाता है, टाडा में कन्फेशन उन्होंने एडमिसिबल कर दिया था, बेल ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, और बेल में कह दिया था कि जब तक व्यक्ति के पास जज ये ना कहे कि वो छूट के भी कोई अपराध नहीं करेगा तभी बेल देना, और हमारे हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा कौन जज कह सकता है, कौन जानता है कब बाहर आके कौन क्या करेगा कल, कौन जानता है, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ऐसा भविष्यवाणी जज कर सकता है, हमारा हिंदू देश है, हम भविष्यवाणी, हम यहाँ पंडित पैदा होते हैं, ऐसा भविष्यवाणी हो सकती है, और कह दिया कि ये ठीक है, वो अभी भी कानून है, कि वो प्रोविजन 940 एक्ट में चल रही है, वो प्रोविजन अभी भी ठीक है कि जज को बताना पड़ेगा कि ये बेल पे भी कोई ऐसा अपराध नहीं करेगा तब मैं बेल दूंगा, तो यही दो प्रोविजन है जो इस UAPA में नहीं है, मगर UAPA को उसने कैसे ट्विस्ट किया, क्योंकि जब कोई एक्ट बदनाम हो जाता है तो इनको भी चेंज करना पड़ता है, 10 साल में इतना दुरुपयोग हुआ टाटा का, और अल्टीमेटली सारे देश उसमें थूकने लग पड़े, तो अल्टीमेटली इन्होंने उसे लैप्स होने दिया, उसे खत्म कर दिया 95 में, बट साथ ही साथ कुछ ही साल रहे हम बिना टाटा जैसे कानून के, क्योंकि टाटा नाम ही था 95 से लेकर 2002 तक जब तक कोटा नहीं बना, नई सरकार नहीं बनी, मगर उस दौरान भी बाकी सारे कानून तो इंटैक्ट थे,
हमारा सबसे ज़्यादा जो कानून लोगों को तंग करता है, जो बिल्कुल प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह है, वो एक सिंपल सा कानून 157 है। जो बंदा 157 सीआरपी की प्रवीण रहे कि पुलिस अफसर किसी को पकड़ ले, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई मिसचीफ करेगा, ये कोई क्राइम कर सकता है, तो थोड़ी देर के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है। मजिस्ट्रेट के पास कानून ये है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको पहले सिक्योरिटी ले सकते हैं। बट हमारे इतना डिजनेटेड सिस्टम है कि 157 में अक्सर हर एजुकेशनिस्ट को, हर जहाँ भी थोड़ा सा भी तुम टेस्ट बीट करो, 157 में अंदर भेज देते हैं, जो झूठ लिखे कि इन्होंने अपनी जमानत नहीं दी। कैसे लोग हैं कि सभी कैसे लोग हैं कि जमानत नहीं देते, तो जिसकी हम अभी बात ही नहीं करते। सबसे जो सबसे ज़्यादा जो हमारी सिविल लिबर्टी खत्म करता है, जो सिंपल सीआरपीसी का 157, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इंटरप्रेट किया है, मगर उसके बावजूद भी उसको जैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम बार बार पिटिशने, बार बार जजमेंट देके रोक नहीं पाए पुलिस को कि भाई ये कानून के मुताबिक चलो। तो एक सबसे ज़्यादा जो ऑर्डिनरी लिबर्टी चेंज होती है तो इससे आते हैं, और ये हमारी स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है। अब उस सिनेरियो में अब यूएपी जैसा एक्ट बना दोगे, और यूएपी एक्ट क्या है, यूएपी एक्ट जैसे पहले बताया गया कि अनलॉफुल एक्टिविटी, नाम तो उसका बड़ा सुंदर है, सिंपल सा कि भाई हर सारे लोग सोचेंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटी तो बंद होनी ही चाहिए। अन एक्टिविटी होती है जैसे सीफा का रेप एंड मर्डर हुआ, ऐसे क्राइम तो हर जगह बंद होने चाहिए। कौन कहते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, और अगर कोई ग्रो करता हो तो फिर उसे भी बैन करना चाहिए। तो ये 1967 का बना कानून है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर किसी संस्था को हम कहते हैं कि ये गैर कानूनी संस्था है, तो वहाँ ट्रिब्यूनल बैठेगा, एविडेंस देंगे, उसके बाद ट्रिब्यूनल जजमेंट देगा कि वाकई ये संस्था गैर कानूनी ढंग से काम कर रही है, और इसलिए हम तब इस संस्था को अनलॉफुल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उसकी मेंबरशिप को मेंबरशिप हो, अगर साबित होगी कि फिर भी लोग इस संस्था में काम कर रहे हैं, तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। अवेलेबल ऑफेंस था, किसी ने कोई बॉलर नहीं किया, ना इस केस का कोई किसी को पता भी नहीं चला, 2004 तक इस केस का पता भी नहीं था। अल्टीमेटली जब इन्हें डाटा विड्रॉ करना पड़ा, पोर्टा के खिलाफ भी इतनी एजिटेशन हुई ऑल ओवर द कंट्री, वो डाटा पंजाब से जुड़ गया, पोर्टा गुजरात से जुड़ गया, और क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम अरेस्ट किए गए, टाडा में ज़्यादातर सिख अरेस्ट कर लिए गए, तो एक तरह का ऐसा एटमोसफेयर बन गया कि सरकार को एम्बेसमेंट हुई तो उन्होंने वापस ले लिया। मगर जिस दिन वापस लिया, उन कुछ दिनों के पहले ही उन्होंने अमेंडमेंट कर दी यूएपीए, और वो सभी चीज़ें जो जिसके खिलाफ लोग एजिटेट कर रहे थे, वो सभी चीज़ें इनमें डाल दी अलग अलग अमेंडमेंट से। किसी को 204 में डाला, किसी ने 208 में डाला, बाकी को 212 में डाल दिया। और अब देखिए जो बना, जो वो जिन बना कानून जैसा, जो घनौना कानून बना, उसकी शक्ल ऐसी हो गई और उसका जो करेक्टर ऐसा हो गया कि वो टाडा से भी आगे बढ़ गया, वो एनसीए भी आगे बढ़ गया, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी आगे बढ़ गया, और उसकी प्रोविजन ऐसी हो गई कि उसमें सिर्फ अगर किसी को, और मैं एक्चुअल केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं थ्रेटिकल बात नहीं कर रहा, अगर आपके हाथ में उन्होंने एक 3 लिस्टें बना दी, एक तो पुरानी लिस्ट थी अनलॉफुल एसोसिएशन की, वहाँ तो सारे सेफगार्ड्स हैं, किसी संस्था को अनलॉफुल डिक्लेयर करना अभी भी मुश्किल है, ट्रिब्यूनल बैठता है। उन्होंने 2 लिस्टें और बना दी कि एक है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कोई ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है, वो एक शेड्यूल है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डाले, जिस मस्जिद संस्था को डाले उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी। और फिर एक और लिस्ट बना ली जो टेररिस्ट गैंग की लिस्ट बना ली, और कैसे बनाई किसी को पता नहीं, क्या एविडेंस है किसी को पता नहीं, बट सारी ऑर्गेनाइजेशन को जिनके जो जो पॉलिटिकली एक्टिव थी और जो नेगोशिएट नहीं करती थी, जिनसे अनकॉम्प्रोमाइज, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट में आ गई। अब इस लिस्ट का मेंबर बनना, अगर आप बबर खालसा इंटरनेशनल या सीपीआई माओइस्ट या हजार तरह की और 60 ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह के नाम है, सिमी भी है उसमें, स्टूडेंट इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस तरह की सभी एसोसिएशन में अगर वो साबित कर दें, साबित कर लें मेंबर, उन्होंने इतना कहना है कि ये आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, और मेंबर वो कैसे साबित करते हैं, आपके कार से रिकवरी कर ले कुछ लेटर पैड्स, और ये एक्चुअल केस है, एक व्यक्ति 6.5 साल जेल में रहा, क्योंकि जब उसे अरेस्ट किया गया, पहले तो रिपोर्ट आ गई कि कोई ऑफेंस नहीं बनता है, 6-8 महीने बाद उसके एक डीएसपी ने उसको फिर जेल से बुलाया, उसको इंटरव्यूट किया और कहा कि इसने एक स्टेटमेंट दिया, इसने वहाँ कुछ लेटर छुपा के रखे हैं, तो उन्होंने लेटर निकाल लिए। वो लेटर क्या थे, जो नेट पे अवेलेबल थे, 1992 के कोई थ्रेट लेटर थे, और जो बंदे ने दिए थे वो मर गया था 93 में एक एनकाउंटर में। वो लेटर 2009 में उन्होंने उसकी फोटोकॉपी निकाली, कहा कि इसके घर से मिले हैं,
इसका मतलब है जो बबल खालसा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ये ऐसे लेटर्स लिखता है, इसका मतलब है कि ये और जज ने इन लेटर्स के बेस पे और कुछ लेटर पैड्स कहीं भी तुम बना लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों चीज़ों के बेस पे कोई उसके खिलाफ वेपन नहीं है, कोई उसके पास और कुछ साजिश करने की कोई एलिगेशन नहीं है, किसी को उसने धमकाया नहीं है, कुछ काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लेटर पैड और कुछ पुराने 92 के लेटर जो नेट पे अवेलेबल है उनको डाउनलोड करके उसको 10 साल की सजा होगी, जब तक हाई कोर्ट पहुंचा केस, जब तक वो एक्विटल हुआ तब तक वो 6.5 साल को जा चुका था, और उसके साथ जो साथी जो रिवॉल्वर लेके बैठा था उसको 3 साल सजा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है कि लेटर पैड से बेटर है रिवॉल्वर रखो। क्योंकि अल्टीमेटली इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन क्या हो जाएगा, 3 साल सजा है, 1 साल में 6 महीने में बेल हो जाती, मगर कम से कम इंसान की तरह लड़ सकते हो। अब वो सिखों का, मैं जो सिखों की कृपान को तो अब जनेऊ में कहता हूँ, वो जनेऊ है, नया जनेऊ है। अल्टीमेटली वेपन तो वही होता है जो यूज हो सके, जिससे आपकी आपकी जिंदगी बच सके, जिसको किसी जालिम को मारा जा सके, वेपन तो वही होता है। तो एक और केस मैं कर रहा हूँ अंदर यूएपी में, क्योंकि ये एक्चुअली सजाएं हो रही हैं, इसलिए इसके बारे में खबरें बचाने, इसके बारे में विचार फैलाने पूरे देश में, इसके बारे में पब्लिक ओपिनियन पैदा करनी कि ऐसा ताकि ये कानून वापस हो, वो एक पार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह आफ्टरऑल टाटा भी वापस हो गया, पोटा भी, तो ये भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो उसमें क्या है, जैसे जो प्रेस का मैथड, मैं पंजाब के केसों की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने क्या किया कि उसके सारे फेसबुक मैसेजेस की ट्रांसलेशन लगा के साथ लगा दी। अब फेसबुक में हजारों चीज़ें होती हैं, किसने उसने शेयर किया है, कोई उसने ये किया, उसने क्यों किया, और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ शेयर ही किए हैं, किसी पर स्टिक किया है, किसी ने कहा खालिस्तान जिंदा उसने स्टिक कर दिया, शेयर कर दिया, किसी ने कहा आम स्ट्रगल अच्छी है उसने वही शेयर कर दिया, कहा जी कि ये बहुत भारी आतंकवादी है, इससे देश को खतरा है। और 2 साल से मैं अभी उसकी जमानत नहीं करा सका, और 3,000 पेजों का रिकॉर्ड पेश कर दिया, और 3,000 पेजों का जो मैंने रिकॉर्ड पढ़ा, एक भी लाइन में ऐसा एक भी लाइन नहीं आई जिसने उसने कुछ कहा हो, वो बेचारे ने सिर्फ शेयर ही किया, तो आगे से शेयर करना भी खतरनाक बात। और मैं हंस रहा था, जज को कह रहा था कि इससे ज्यादा खतरनाक तो आप मेरा वेब किस देख लीजिए, उसमें हजारों तरह के कमेंट्स भी हैं, और तो जब आप किसी भी कानून को इतना खींच देते हो कि कुछ भी चीज़ आ जाए, तो इसलिए अब तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अब कानून के खिलाफ है ही, कानून आपके खिलाफ है ही, आप हर एक्टिविटी आपकी अनलॉफुल एक्टिविटी, ये सेशन भी 100% उस एक्ट के नीचे आ सकता है। और फिर मेंबरशिप की जो सजा उम्र कैद, जैसे सडिशन की सजा 1 दिन भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है, उसी तरह मेंबरशिप की सजा भी कम से कम 5 साल और उम्र कैद, और उम्र कैद ही जज देते हैं, उन्हें आदत पड़ गई उम्र कैद की। रेप एंड मर्डर में चाहे उम्र कैद दे 10 साल दे, अक्सर 10 साल देते हैं, मगर सडिशन में ऐसे लिटरेचर में जैसे यहाँ खून की बातें उन्हें खौफ पैदा करती हैं, तो उम्र कैद ही देते हैं, ऐसे शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। एक हरियाणा का केस जो हमने किया था 18 बच्चों का, 3-3.5 साल बचे, तो उन्होंने बेचारों ने यही कहा था कि हमारी पार्लियामेंट में क्या है, ये अखाड़ा है गुंडों का, तो बायकॉट करो, पार्लियामेंट बायकॉट करो, वो कहते ये तो देशद्रोह है, इतनी सेक्रेट जगह हो, और ये आगमन किया कि सर पार्लियामेंट इज अ सेक्रेट प्लेस, इतनी सेक्रेट जगह को ये कहते हैं कि तो गुंडों का अखाड़ा है, और हरियाणवी भाषा में जब तुम कहते हो तो ज़्यादा वो दिल को लगती है उनकी। और 18 बच्चे 3.5 साल ऐसे इस एक्ट में ऐसे रहे। तो और तो सारी प्रोविजन वैसी ही हैं, टाटा जैसी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं कि कन्फेशन नहीं हो सकता, मगर बाकी सब चीज़ें इतनी ब्रॉड कर लिया है कि एक बार आपको पकड़ लिया जाए तो आपका जो बेसिकली रिमांड पीरियड है 15 से 30 दिन कर दिया, कि 30 दिन का टॉर्चर चैम्बर, पुलिस रिमांड टॉर्चर चैम्बर ही है, सभी लोग जानते हैं, और लोग पंजाब में तो उसे इंटरोगेशन कहे, वो जब टॉर्चर होते वो टॉर्चर शब्द ही भूल गए हैं, वो कोई चल नहीं पाता, पकड़ना पड़ता है, पुलिस का कोर्ट आता है वो कहता है क्या हुआ जज, सर आई हैव बीन इंटरोगेटेड,
वो ये कहता है ना कि मुझे मारा है या मुझे सजा हुई है या मुझे मेरी टांगी खींची है या मेरी मसल तोड़ दी है, वो कहता है सर आई हैव बीन इंटरोगेटेड, वो एक्सेप्ट कर लेते लोग। ये शब्द हमारी भाषा में इंटरोगेटेड हो गया, टॉर्चर खत्म हो गया, इतना टॉर्चर होता है। और वो 30 दिन बढ़ा दिया, उसके चलान के पहले आम केस में 90 दिन होते हैं, मर्डर केस में यहाँ 180 दिन कर दिए, और वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट में 365 दिन हो सकते हैं। इसलिए एक तरह की एक साल की आपके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ही बन गई। इसलिए मैं कहता हूँ यूएपी सबसे पहला एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है कि जिसके खिलाफ लग जाए, और बेल में आप बहस नहीं कर सकते, आपको पता नहीं आपके खिलाफ क्या है। जज कहता है इतना खतरनाक कानून आपके लगा, आप हाँ चार्जशीट लाओ, चार्जशीट वो फाइल नहीं करेंगे, 364 दिन करेंगे। तो 363 दिन की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो हो ही जाती है, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया। तो इसलिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून भी है, ये दूसरा कानून भी। और सबसे जो छोटी छोटी बातें हैं, देखो कितना आसान है आपको अनलॉफुल, आपको खतरनाक बनाना। हार्बरिंग के लिए सजा उम्र कैद तक हो सकता है, हार्बरिंग जो आमतौर पर 2 साल है, बाकी सारे कानून में अगर किसी मर्डर को आपके घर में आ जाता है, आपके घर आ जाता है एक रात, तो हम उसे हार्बरिंग कहते हैं कानून की लैंग्वेज में। थोड़ी बहुत ही सजा सभी में अवेलेबल हो जाती है, कोई उससे खतरनाक नहीं मानता। अगर आप व्यक्ति अगर किसी और मेंबर का इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कह दे पुलिस, और वो आपके घर एक रात रह जाए, तो आपको उम्र कैद तक हो सकती है। फिर आपने को फंड रेज कर लिए, एक फंड आपने लिए कोई आ गया, आपने पर्ची में 1000 रुपये किसी से कह दिया, किसी को इंस्टीट कर दिया कि आप भी आप पर्ची काट लो, आप भी को फंड दे दो, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ना हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अनलॉफुल हो और टेररिस्ट हो, तो उसमें भी उम्र कैद तक हो सकती है। इस तरह की अजीबो गरीब प्रोविजन बना के उन्होंने हमारे दिल से पूरा डर ही निकाल दिया है कि कुछ भी करोगे अगर फंसना है तो फिर क्या डरना, फिर तो जो मर्जी करो। तो इस तरह की और प्रोविजन है, मेरा ख्याल सभी जानते होंगे, तो खत्म करते हैं। शुक्रिया जी।